bonus year working number 2 by bank working number 3 profit ya loss on sale agar profit on sale hua to debit marenge loss on sale hua to credit karenge closing stock dikhayenge aur loss on revaluation koi aayega to usko dikha denge working number 1 mein beta hai purchase of investment agar investment purchase karte to entry marte hain investment to bank investor jab investment purchase karega to wo investment account ko debit karega cost of investment purchase se फेस वैल्यू पे डेबिट नहीं करेगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में परचेज प्राइस आएगा और ब्रोकरेज और अदर एक्सपेंस भी उसमें इंक्लूड होगा ब्रोकरेज और अदर एक्सपेंस भी उसमें इंक्लूड होगा सेकंड है बोनस शेयर बोनस शेयर कंपनी फ्री में इशू करती है बोनस शेयर की इन्वेस्टर कोई एंट्री पास नहीं करता क्योंकि उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगी है उसको डेबिट साइड में खाली नंबर कॉलम में शो करते हैं उसको कंप्यूट करने का फॉर्मूला है यानी नंबर ऑफ बोनस शेयर कंप्यूट करने का फॉर्मूला है ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर इंटू रेशियो ऑफ बोनस बोनस का एक और नाम है बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि कई बार क्वेश्चन में अपने को बोनस से पहले की और बोनस के बाद की मार्केट प्राइस दिया रहता है कई बार क्वेश्चन में अपने को बोनस से पहले की और बोनस के बाद की मार्केट प्राइस दिया रहता है कि बोनस आने से पहले ये मार्केट रेट था बोनस आने के बाद ये मार्केट रेट हो गया जो प्री बोनस मार्केट प्राइस दिया रहेगा ना वो हर क्वेश्चन में यूजलेस है जो पोस्ट बोनस मार्केट प्राइस दिया रहेगा ना वो यूजफुल और यूजलेस दोनों हो सकता है वो कब यूजलेस होगा जब बोनस की सेल प्राइस क्वेश्चन में दी है अगर बोनस की सेल प्राइस क्वेश्चन में दी है तो बोनस की मार्केट प्राइस यूजलेस हो गई लेकिन अगर बोनस की सेल प्राइस क्वेश्चन में नहीं दी है तो जो पोस्ट बोनस मार्केट प्राइस है ना अपन एज्यूम करते हैं बोनस को उतने में बेचा ये वाले नोट को फिर से पढ़ लीजिएगा थोड़ा अटेंशन देने वाला नोट है क्योंकि कि क्वेश्चन में कई बार अपने को बोनस आने से पहले की मार्केट प्राइस और बोनस आने के बाद की मार्केट प्राइस दिया रहता है बोनस आने से पहले की जो मार्केट प्राइस दिया रहेगा यूजलेस होगा बोनस आने के बाद की जो मार्केट प्राइस दिया रहेगा वो कब यूजफुल होगा कब यूजलेस होगा अगर बोनस को कितने बेचा वो अलग से दिया हुआ है अगर बोनस शेयर को कितने बेचा वो अलग से दिया हुआ है तो बोनस के बाद की मार्केट प्राइस भी यूजलेस हो गई और अगर बोनस को कितने में बेचा वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है अगर बोनस को कितने बेचा वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो बोनस को कितने बेचा वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो ये मानेंगे कि बोनस के बाद की मार्केट प्राइस पे उसको बेचा होगा तो उस केस में बोनस के बाद की मार्केट प्राइस रिलीवेंट होगी इररिलीवेंट नहीं होगी यूजलेस नहीं होगी उसके बाद आइए इन्वेस्टमेंट को जब बेचेंगे तो क्या अकाउंटिंग करेंगे देखिए बैंक टू इन्वेस्टमेंट ये एंट्री एनएसपी से मारेंगे एनएसपी निकालते हैं ब्रोकरेज को माइनस करके यहां पर एक आईएमपी कॉन्सेप्ट लिखवाया हूं कि ब्रोकरेज का क्या ट्रीटमेंट होता है जब लोग परचेस करते हैं तो ब्रोकरेज को परचेस प्राइस में प्लस किया जाएगा और जब सेल करेंगे तो माइनस करेंगे जब परचेस करेंगे तो ब्रोकरेज को ऐड करेंगे सेल करेंगे तो माइनस करेंगे उसके बाद बेटा ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से पढ़ो ना यार बेटा कि इन्वेस्टमेंट को जब बेचते हैं ना तो उसका प्रॉफिट लॉस निकालते हैं इन्वेस्टमेंट को बेचने का प्रॉफिट लॉस निकालने का फॉर्मूला होगा एनएसपी को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड से कंपेयर किया जाएगा एनएसपी को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड से कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड निकालने का ये फॉर्मूला है बेसिकली ये फॉर्मूला जो है ना ये एवरेज कॉस्ट मेथड है डेबिट साइड की अमाउंट का सम करने से क्या होगा टोटल कॉस्ट आ जाएगी डेबिट साइड के नंबर का सम करने में बोनस को इंक्लूड हो गया ये तो टोटल नंबर ऑफ शेयर आ गए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पर शेयर कॉस्ट आ जाएगी और पर शेयर कॉस्ट को नंबर ऑफ शेयर सोल्ड से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड आ जाएगा प्रॉफिट कब होगा लॉस कब होगा जब पॉजिटिव आंसर आएगा तो प्रॉफिट नेगेटिव आंसर आएगा तो लॉस पॉजिटिव आंसर मतलब एनएसपी इज ग्रेटर देन कॉस्ट और अगर नेगेटिव आंसर मतलब कॉस्ट इज ग्रेटर देन एनएसपी तो लॉस होगा अब प्रॉफिट लॉस की क्या एंट्री पास करेंगे इसके लिए कंसेप्ट आपको लिखवाया हूं बेटा कि प्रॉफिट को अपन हमेशा क्रेडिट मारते हैं तो प्रॉफिट ऑन सेल को क्रेडिट करेंगे इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे लॉस की एंट्री के बारे में उसका उल्टा लिखवा दिया हूं तो प्रॉफिट की एंट्री इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल आप पहले क्रेडिट सोचो डेबिट अपने आप आ जाएगा लॉस हुआ है तो उसको डेबिट मारेंगे इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट मारेंगे आखिरी स्टेप है क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच इज लोअर इसकी कॉस्ट निकालने का वही फॉर्मूला है जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड का फॉर्मूला था यह एवरेज कॉस्ट आ गई पर शेयर कॉस्ट आ गई पर शेयर कॉस्ट को क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद फिर क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू निकालेंगे मार्केट वैल्यू के बारे में एक स्पेशल नोट लिखवाया हूं ये वाला इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें
अगर बैलेंसिड डेट की मार्केट प्राइस नहीं दिया है ना, तो जो लेटेस्ट सेल प्राइस थी उसको बैलेंसिड डेट की मार्केट प्राइस मानेंगे। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इवर इज लोअर पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। यहां पर लॉस ऑन रिवेल्युएशन कब आएगा? लॉस ऑन रिवेल्युएशन आएगा जब मार्केट वैल्यू कम होगी। मार्केट वैल्यू अगर कम हो गई मतलब आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, तो लॉस ऑन रिवेल्युएशन निकाल के उसको भी अपन लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दिखा देंगे। सर शुरू से थोड़ा एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा, वो है आपकी कॉपी में पेज नंबर मेंटेन करना। तो जिनकी कॉपी में पेज नंबर नहीं है अभी लिख लीजिए आप लोग। अब शुरू के जो 6 क्वेश्चन है ना बेटा, इन 6 क्वेश्चन में से मैं क्लास क्वेश्चन और होमवर्क क्वेश्चन आपको कौन कौन से हैं वो लिखवा देता हूं। पहले इसको शीट में लिख लीजिए, पेज नंबर 1 निकाल लीजिए। ये शीट में आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एरो बना के क्लास क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3 सिमिलर क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 के बगल में क्लास क्वेश्चन लिख लो और 3 के बगल में होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बगल में लिखिए 4, 5, 6 सिमिलर क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के बगल में क्लास क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बगल में होमवर्क क्वेश्चन लिखिए। ये आप लोग अपनी सीट में लिखिएगा बेटा, कॉपी में नहीं। फिर से एक बार बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर लिख लो क्लास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर लिखो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सिमिलर क्वेश्चन, उसमें 2 नंबर क्लास क्वेश्चन, 3 नंबर होमवर्क क्वेश्चन। फिर 4 नंबर के ऊपर लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सिमिलर क्वेश्चन, 4 नंबर के बगल में क्लास क्वेश्चन, 5 और 6 होमवर्क क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन आज की क्लास का टारगेट है। मेरे को जो 3 क्वेश्चन करवाने हैं ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 करवाना है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों क्वेश्चन मैं पहले करवा रहा हूं। आप लोग अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा और कॉपी का पेज नंबर मेंटेन करने का शुरू से डिसिप्लिन रखें आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए एक, प्रैक्टिकल्स। एक कैलकुलेटर निकाल लीजिए आप लोग और आंसर नंबर 1 लिखिए, पेज नंबर 1, आंसर नंबर 1 पेज नंबर 1। क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन है, एम वाई लिमिटेड हैड एक्वायर्ड 200 इक्विटी शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड एट 105 पर शेयर ऑन 1/1/2009। एम वाई लिमिटेड ने एक्स वाई लिमिटेड के 200 इक्विटी शेयर परचेस किए थे ₹105 पर शेयर के रेट से 1/1/2009 को दोस्तों, और ₹200 पे किया था ब्रोकरेज और स्टैंप ड्यूटी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का 31 मार्च 2009, मतलब कि बैलेंस शीट डेट। शेयर ऑफ, एक प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा, कल भी करवाया था, शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड होगा वो, वर ट्रेडेड एट 110 पर शेयर। तो दोस्तों एम वाई लिमिटेड ने 200 इक्विटी शेयर एक्स वाई के परचेस किए थे ₹105 के रेट से और ₹200 ब्रोकरेज पे किया था। 31 मार्च 2009 को शेयर का मार्केट प्राइस हो गया ₹100। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है किस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, किस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, आंसर लिखिए। इन्वेस्टमेंट शैल बी शोन इन बैलेंस शीट एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, WEL। इन्वेस्टमेंट शैल बी शोन इन बैलेंस शीट एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर।
डब्ल्यू ई एल का मतलब है विच ईवर इज लोअर. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखाया जाएगा, तो आंसर होगा कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच ईवर इज लोअर. तो अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं. लिखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू बेटा 200 शेयर है बेटा, तो 200 शेयर लिख दीजिएगा बेटा इनटू 105 रुपए में आपने परचेस किया है एक शेयर बेटा, तो इनटू 105 कर देंगे प्लस ब्रैकेट में प्लस कर दीजिएगा. जो स्टैम्प का खर्चा लगा है 200 रुपए उसको और प्लस कर दीजिएगा, तो ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. 200 शेयर इनटू 105 रुपए 21,000 रुपीज ये हो गया, और 200 रुपए आपने ब्रोकरेज पे किया तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया बेटा 21,200 आ गया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब लिखिए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 200 शेयर है बेटा, और बैलेंस डेट में क्वेश्चन दिया हुआ है मार्केट वैल्यू थी 110, सो 22,000 रुपीज आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो 22,000 रुपए आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में अपन दिखाएंगे कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच वर इज लोअर पे. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 21,200, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 22,000 रुपए. फिर लिखिए विच वर इज लोअर इक्वल टू 21,200, विच वर इज लोअर इक्वल टू 21,200, और फाइनल आंसर लिख दीजिएगा हेंस इन्वेस्टमेंट विल बी सोन इन बैलेंस इट एट रुपीस 21,200. इन्वेस्टमेंट विल बी सोन इन बैलेंस इट एट रुपीस 21,200. इसलिए इन्वेस्टमेंट को बैलेंस इट में 21,200 पे दिखाया जाएगा. तो दिस द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए. अपनी कॉपी में उसका रेफरेंस लिखिए, आंसर 2 पेज 1, और क्वेश्चन 2 के बगल में कॉपी का पेज नंबर लिखिए जरूर से. पढ़िए क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए. क्वेश्चन है राव ने एबीसी कंपनी लिमिटेड के 1000 शेयर जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपए है उसको 123700 में परचेस किया था. कुछ इयर्स के बाद कंपनी ने डिसीजन लिया कि वो अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेगी और वो बोनस शेयर इशू करेगी 1:1 के रेशियो में, 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड. प्रायर टू कैपिटलाइजेशन शेयर का मार्केट रेट चल रहा था कोटेड का मतलब होता है मार्केट प्राइस. प्रायर टू कैपिटलाइजेशन मतलब बोनस शेयर से पहले शेयर का मार्केट रेट था 175. आफ्टर द कैपिटलाइजेशन शेयर का मार्केट रेट हो गया 92.5. राव ने बोनस शेयर को बेच दिया और उसको 96 रुपीज पर शेयर मिला. इन्वेस्टमेंट अकाउंट राव की बुक्स में बनाओ. देखिए आंसर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेट का कॉलम मत बनाइएगा क्योंकि क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई है. और इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट सिर्फ 5 लाइन का खींचेगा बेटा, 5 लाइन से बड़ा मत खींचेगा, उतने में ये क्वेश्चन बन जाएगा. खाली पर्टिकुलर नंबर अमाउंट 3 कॉलम बनेंगे. पर्टिकुलर नंबर्स अमाउंट
मैं बेटा कुछ नीचे जो है ना, आप लोग 5 लाइन खींच के नीचे लाइन खींच दो। मैं जो है ना 2 टाइप के नोट्स क्लास में लिखवाता हूँ, एक कंसेप्ट नोट रहते हैं वो एग्ज़ाम में नहीं देने रहते, और एक एग्ज़ाम वाले नोट्स रहते हैं। तो मैं आपको अभी जब नोट्स लिखवाऊंगा ना, तो साथ साथ लिखवाते जाऊंगा कि कौन सा कंसेप्ट नोट है एग्ज़ाम में नहीं देना है, कौन सा नोट एग्ज़ाम में देना है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले लिखिए बेटा, टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। नंबर वाले कॉलम में 1000, अमाउंट वाले कॉलम में 123700। टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। उसके पास 1000 शेयर थे जिनकी कॉस्ट थी 123700। नीचे नोट्स में नंबर 1 लिखिए, फेस वैल्यू ₹100 यूजलेस। नोट नंबर 2 लिखिए, द वर्ड सम ईयर लेटर शोज दैट 1000 शेयर इज ओपनिंग बैलेंस इन ईयर ऑफ बोनस शेयर। मतलब जिस ईयर में बोनस शेयर आ रहा है, यानी जिस ईयर का अपन बना रहे हैं, उस ईयर में वो ओपनिंग बैलेंस है। तो फेस वैल्यू ₹100 यूवलेफ है पहली बात, और सम ईयर लेटर वर्ड ये शो करता है कि अपने को ये शेयर उसने कई साल पहले परचेस किए थे। जो 1000 शेयर उसने परचेस किए थे दोस्तों, वो कई साल पहले परचेस किए थे बेटा। तो वन उसको अपन ने ओपनिंग बैलेंस क्यों दिखाया, मैं आपको एक्चुअली इसका लॉजिक दिखा रहा हूं कि ओपनिंग बैलेंस क्यों दिखाया। अपन किस ईयर का इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं इस क्वेश्चन में, जिस ईयर में बोनस शेयर आया है। तो बोनस शेयर जिस ईयर में आया है, उस ईयर के लिए वो जो शेयर थे 1000 शेयर, वो तो कई साल पहले परचेस किए थे, तो वो उस ईयर के लिए क्या हो गए, ओपनिंग बैलेंस हो गए। तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस आएगा इन द ईयर ऑफ बोनस शेयर। ये दोनों नोट जो है ना, ये एग्जाम में नहीं देना है। ब्रैकेट में लिखते जाओ, नॉट फॉर एग्जाम फर्स्ट नोट के बगल में, सेकेंड नोट नॉट फॉर एग्जाम। कई नोट में क्लैरिटी के लिए लिखवाता हूं, कई नोट एग्जाम के लिए। अब आइए अगला आइटम लिखिए, टू बोनस 1000 नंबर में अमाउंट में डैश। डेबिट साइड का अगला आइटम आएगा टू बोनस, या टू बोनस शेयर भी लिख सकते हैं, नंबर में 1000 अमाउंट में डैश। नोट नंबर 3 लिखिए, बोनस शेयर। ये नोट एग्जाम में देके आना है, टू बी गिवन इन एग्जाम। नंबर ऑफ बोनस शेयर रिसीव्ड इक्वल टू 1000 इंटू 1/1 इक्वल टू 1000। नंबर ऑफ बोनस शेयर रिसीव निकालने का फॉर्मूला रहता है ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर इंटू बोनस का रेशियो। ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर उसके पास 1000 थे, और बोनस का रेशियो है 1:1, यानी कि 1/1। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर रिसीव भी 1000 आएंगे, नंबर ऑफ बोनस शेयर रिसीव भी 1000 आएंगे। और एक ये वाली लाइन एग्जाम में जरूर लिख के आना है, बोनस डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट। बोनस डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। इसको वर्किंग नोट नंबर 1 लिख लीजिएगा बगल में, मतलब एग्जाम में जो नोट देके आना है, तो ये वर्किंग नंबर 1 हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज राइट WN1, यहां बोनस के बगल में भी लिख लीजिएगा WN1 ऊपर मेन आंसर में। अब आइए क्रेडिट साइड में, बाई बैंक
1000 और 96000। भाई बैंक 1000 और 96000। क्वेश्चन में आप लास्ट लाइन पढ़ेंगे, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है उसने बोनस शेयर को 96 रुपीज के रेट से बेच दिया, तो जो बोनस शेयर 1000 थे उसको उसने 96000 में बेच दिया। नोट, नेक्स्ट नोट लिखवा रहा हूं, फोर्थ नोट, ये भी नॉट फॉर एग्जाम है, तो नॉट फॉर एग्जाम वर्ड पहले लिख लीजिएगा। मार्केट प्राइस बिफोर बोनस दैट इज रुपीज 175 एंड मार्केट प्राइस आफ्टर बोनस दैट इज रुपीज 92.5। आप देख सकते हैं बेटा क्वेश्चन में कि अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रायर टू कैपिटलाइजेशन मार्केट प्राइस वॉज 175, आफ्टर द कैपिटलाइजेशन मार्केट प्राइस इज 92.5। तो ये जो बोनस से पहले की और बोनस की बात की जो मार्केट प्राइस दिया हुआ है 175 और 92.5 ये यूजलेस है, इज यूजलेस, इज यूजलेस वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं, ये एग्जाम में नहीं देखे आना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जो भी नॉट फॉर एग्जाम लिखवाता हूं मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है वो। अब लिखिए नेक्स्ट नोट, सेल ऑफ बोनस शेयर इसका नेचुरली ये वर्किंग नोट नंबर 2 है, एग्जाम में देना ही चाहिए, तो डब्ल्यू एन 2 लिख लो इसको, टू बी गिवन इन एग्जाम। धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे कि कौन से नोट्स क्लैरिटी के लिए रहते हैं कौन से एग्जाम के लिए, तो इसको डब्ल्यू एन 2 लिख लो। हाँ जी सर, ये सेल ऑफ बोनस शेयर को वे ऑफ प्रेजेंटेशन ये रखिएगा, सेल वैल्यू इक्वल टू 1000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 96 इक्वल टू रुपीज 96000। तो सेल ऑफ बोनस शेयर में उसकी सेल वैल्यू आ गई 96000 रुपए। वर्किंग नंबर 2 है ये। नेक्स्ट लिखिए कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर सोल्ड, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर सोल्ड, हेडिंग को अंडरलाइन कर दीजिएगा, इज इक्वल टू रुपीज 123700 डिवाइड बाई 2000 इंटू 1000। जो 123700 रुपए जो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है 1000 शेयर की, बोनस मिलने के बाद वो 2000 शेयर की कॉस्ट हो जाएगी। मैंने आपको कंसेप्ट नोट में क्या थ्योरी लिखवाई है, टोटल ऑफ डेबिट साइड अमाउंट कॉलम डिवाइड बाई टोटल ऑफ डेबिट साइड नंबर कॉलम इंटू नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। लॉजिकली सोचेंगे तो बोनस आने के बाद 123700 रुपए 2000 शेयर की कॉस्ट हो जाएगी, 1000 ओपनिंग स्टॉक था, 1000 और परचेस किया बोनस आया, तो 2000 की कॉस्ट इतनी है, तो जो 1000 बेचा उसकी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकाल लीजिएगा। निकालेगा बेटा आप लोग कितना आया, रुपीज 61850। अब नेक्स्ट एरो बनाइए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट। सेल वैल्यू है रुपीज 96000 माइनस कॉस्ट है रुपीज 61850। ये प्रेजेंटेशन जो है ना मैं करवा रहा हूं, जो ये एकदम स्टडी का प्रेजेंटेशन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं आई विल बी ट्राइंग टू स्टिक टू द स्टडी मटेरियल प्रेजेंटेशन एज फार एज पॉसिबल। तो ये स्टडी का प्रेजेंटेशन है बेटा, मतलब आप लोग प्रेजेंटेशन को अगर देख लो, पहले सेल वैल्यू लिखा है, फिर कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर सोल्ड लिखा है, फिर दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट ऑन सेल निकाल दिया। आंसर कितना आ रहा है, 34150। अब ये जो 34150 आया ना बेटा, प्रॉफिट आया है तो इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में शो कर दिया करो। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट निकाल लो, उसके डेबिट में लिखो टू प्रॉफिट ऑन
सेल ऑफ बोनस, ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर टू लिख दीजिएगा, नंबर्स कॉलम में नहीं आएगा ये, नंबर्स तो अपने पास कम ज्यादा नहीं हुए ना प्रॉफिट से, तो 34150 आ गया अमाउंट कॉलम में, 34150 आ गया अमाउंट कॉलम में। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बोनस वर्किंग नोट नंबर टू, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बोनस वर्किंग नंबर टू नंबर्स में नहीं आएगा, अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 34150। अब लास्ट है बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट में लिख लीजिएगा, इसमें नंबर कॉलम में 1000 बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिएगा, नंबर कॉलम में, नंबर कॉलम में बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग स्टॉक में नंबर कॉलम में बैलेंसिंग फिगर वर्ड लिखिएगा 1000। अब इसका एक वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 3 लिखिए, जो भी वो वर्किंग नोट लिखवाऊंगा ना समझ लो एग्जाम में देना है वो, तो वर्किंग नंबर 3 क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, लिखिए कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ₹123700 डिवाइड बाई 2000 इंटू 1000, क्योंकि सेम है एक्चुअली, बेचे भी 1000 है, क्लोजिंग स्टॉक भी 1000 है, 2000 की कॉस्ट इतनी है, तो 1000 जो बेचे उसकी जो कॉस्ट आई थी वही कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक की भी कॉस्ट आएगी, तो ₹61850। अब एक बात आपको मैं सिखाना चाहता हूँ बेटा, वो है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अपन कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच इज लोअर पे करते हैं। इस क्वेश्चन में आप पढ़ो एक बार, आपको मार्केट प्राइस बैलेंसिंग डेट की दी नहीं है, अपने को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अगर कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच इज लोअर पे करना है तो अपने को मार्केट वैल्यू कौन सी चाहिए, बैलेंसिंग डेट की, ये बात नोटिस कीजिएगा, बैलेंसिंग डेट की मार्केट प्राइस दी नहीं है, लेकिन आप लोग को कंसेप्ट नोट में क्या लिखवाया हूं देखिए, कि भाई अगर बैलेंसिंग डेट की मार्केट प्राइस नहीं भी दिया हुआ है तो भी अपन लोग क्या करेंगे, जो लेटेस्ट सेल प्राइस है उसको बैलेंसिंग डेट की मार्केट प्राइस मान सकते हैं, तो उस लॉजिक से लेटेस्ट सेल प्राइस क्वेश्चन में कितना है 96, तो इसकी मार्केट प्राइस अपन कितनी मान सकते हैं 97,000, 96,000। अब यहां पर जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ICAI की स्टडी मटेरियल में है, ये कंफ्यूजन ये है कि एक ऑप्शन और है आपके पास कि आप मार्केट वैल्यू निकालो ही मत, मार्केट वैल्यू को इग्नोर ही कर दो, आप वैल्यूएशन सीधा कॉस्ट पे करो, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच इज लोअर कब करना पड़ता है, जब क्वेश्चन में मेंशन कर रखा हो, जैसे 4, 5, 6 तीनों क्वेश्चन देखो, तीनों सिमिलर क्वेश्चन है, खाली उनकी लास्ट लाइन पढ़ो, तीनों क्वेश्चन की 4, 5, 6 की लास्ट लाइन पढ़ो, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच इज लोअर 4 में लिखा हुआ है, 5 में भी लिखा हुआ है कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच इज लोअर, और 6 में भी लिखा हुआ है कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच इज लोअर, 2 और 3 जो सिमिलर क्वेश्चन है उसमें तो लिखा नहीं है, 2 और 3 में नहीं लिखा है ना कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच इज लोअर। अच्छा सर, सर जी देखिए, अगर कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच इज लोअर लिखा है जो कि 4, 5, 6 है तो करना ही अपने को, फिर वहां पर अपन लेटेस्ट सेल प्राइस को मार्केट प्राइस मानेंगे अगर नहीं दिया होगा तो, मतलब जो मैं आपको थ्योरी लिखवाया हूं कॉन्सेप्ट नोट में कि लेटेस्ट सेल प्राइस को मार्केट प्राइस मानते हैं, वो तो खाली मार्केट वैल्यू निकालने की थ्योरी लिखवाया हूं ना। वैसे स्टडी मेट में इस क्वेश्चन का आंसर खास तौर पे गलत आंसर है, अपने को CA इंटर में मतलब मैक्सिमम मार्क्स चाहिए ना
तो जहां तक हो सके प्रेजेंटेशन स्टडी का करो, आंसर का प्रेजेंटेशन जो है ना वो स्टडी का होना चाहिए। गर्ल्स आप लोग बात कर रहे हैं शायद, बेटा बात नहीं करेंगे, ये आपका स्टडी का कोर्स है, 3 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 में अकाउंटिंग स्टडी है पूरा, मॉड्यूल 2 में कंपनी अकाउंट्स के 5 चैप्टर है, मॉड्यूल 3 में नॉर्मल अकाउंट्स के 6 चैप्टर हैं, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस क्लेम हायर परचेज डिपार्टमेंटल ब्रांच और सिंगल एंट्री। मेरा फर्स्ट टारगेट है मॉड्यूल 3 करवाना, मॉड्यूल 3 पहले करवाऊंगा, उसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने स्टार्ट किया है। तो जहां तक हो सके ना स्टडी के आंसर से डेविएट नहीं करना चाहिए। स्टडी के आंसर से कब डेविएट करना चाहिए प्रेजेंटेशन वाइज, जब स्टडी मेट में कोई ऑब्वियस मिस्टेक हो। अब वो ऑब्वियस मिस्टेक आपको मैं बता सकता हूं बेटा, ये जैसे इस क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन स्टडी मेट का है, और इसमें ये देखिए ये जो अपनी सीट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये एच परचेस्ड 500 शेयर 62,500, ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है दोनों, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है स्टडी मेट में, क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू भी निकाला है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए 92.5 लिया है। 92.5 क्या है देखो बेटा, बोनस के बाद की मार्केट प्राइस, ये जो है ना ये बाय डिफॉल्ट गलत है, ये गलती है, रीजन बता रहा हूं मैं आपको। 92.5 क्या है, बोनस के बाद की मार्केट प्राइस, मतलब जब बोनस शेयर आया उसके अगले दिन की मार्केट प्राइस है वो, उसके और कुछ दिन क्या तो अपन ने बोनस को बेचा है ना 96 में, और अपन बैलेंसिड डेट की मार्केट प्राइस लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए, तो बैलेंसिड डेट के नियर कौन सी मार्केट प्राइस थी जिसमें अपन ने बोनस शेयर को बेचा, न कि बोनस के बाद की मार्केट प्राइस। तो स्टडी मेट में इस क्वेश्चन के आंसर में ये मिस्टेक है, अगर मार्केट प्राइस लेना ही है तो 92.5 तो नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 96 ही आना चाहिए। एक तो मार्केट प्राइस नहीं भी लेंगे चल जाएगा, सो दिस इज ए ऑब्वियस मिस्टेक एक्चुअली इन द स्टडी मटेरियल, इट्स माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू, ट्राई टू अवॉइड टू स्टडी मटेरियल सो फार एज पॉसिबल। तो एक चीज आप लोग अपनी सीट में नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बाद में लिख लो, ये 3 नंबर के नीचे लिख लो सीट में, एक नोट के रूप में लिखवा रहा हूं, इन क्वेश्चन नंबर 2, 3 स्टडी मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू पार्ट इज रॉन्ग, डोंट फॉलो, इन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 स्टडी मटेरियल मार्क क्लोजिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू पार्ट इज रॉन्ग, ये 3 नंबर के बाद नोट लिखिएगा, इन क्वेश्चन नंबर 2, 3 स्टडी मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू पार्ट इज रॉन्ग, खाली मार्केट वैल्यू पार्ट, डोंट फॉलो। ज्यादा बेटर आंसर क्या होगा जानते हैं बेटा, हाँ जी, आपको मार्केट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपने देखा अगले 3 क्वेश्चन में मैंने कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच इज लोअर लिखा हुआ है, तो उनमें निकालेंगे, इसमें मार्केट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए कॉस्ट वैल्यू कर लीजिएगा, एक नोट लिखिए, ये वर्किंग नंबर 3 के नीचे, सिंस ये नोट एग्जाम में नहीं देना है, नॉट फॉर एग्जाम, सिंस क्वेश्चन डू नॉट से कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर एंड मोर ओवर बैलेंसिड डेट मार्केट प्राइस ऑल्सो नॉट गिवन, ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है एक साथ,
एक तो क्वेश्चन डू नॉट से, एक तो क्वेश्चन डू नॉट से कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच वर इज लोअर। एक तो क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच वर इज लोअर पे करो। मोरोवर बैलेंसिड डेट की मार्केट प्राइस भी क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। मोरोवर बैलेंसिड डेट की मार्केट प्राइस भी क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिव हो गई। हेंस वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, फुल स्टॉप। नो नीड टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज अबाउट टू ओवर। बस क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट जो है मेन आंसर में लिख लो। यहां पर ये 61850 आ गया। दो लाइन खींच के टोटलिंग करके क्लोज कर दीजिएगा। 2000 नंबर्स कॉलम, 157850 अमाउंट कॉलम, 2000 नंबर कॉलम, 157850 अमाउंट कॉलम। अब आप लोग जो तीन नंबर क्वेश्चन है ना, मैं वो होमवर्क है, तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, दो नंबर क्वेश्चन के बाद जगह छोड़िए अपनी कॉपी में, उसमें बकायदा लिख लीजिए आंसर नंबर 3 पेज नंबर 1। क्योंकि क्वेश्चन एक सीक्वेंस में बन जाए तो अच्छा है, तो होमवर्क के लिए जगह छोड़ दें आप लोग। जगह थोड़ा कम छोड़िएगा, सुनो बेटा, एक तो ये लगेगा, ये देखो इतनी जगह, एक ये सब नोट्स आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, खाली वर्किंग नोट नंबर 1 देना है एग्जाम में, एग्जाम ओरिएंटेड आंसर लिखिएगा ना। वर्किंग नंबर 2 देना है सेल ऑफ बोनस शेयर, और वर्किंग नंबर 3 देना है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। तो उतनी जगह छोड़ दीजिएगा। और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में से एक क्वेश्चन करवाना है, तो 4 नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ। अपनी कॉपी में पेज नंबर लिखो और 4 के बगल में कॉपी का पेज नंबर लिख लो। आंसर 4 पेज नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, प्लीज रीड विथ मी। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन इज 1 अप्रैल 2002 को मिस्टर कृष्णमूर्ति परचेस्ड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपए ईच इन टेलको लिमिटेड एट 120 रुपए ईच फ्रॉम ए ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। ही इनकर्ड 50 पैसे पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प। ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया इस क्वेश्चन में बेटा। 1 अप्रैल 2002 को मिस्टर कृष्णमूर्ति नाम के एक इन्वेस्टर ने टेलको कंपनी के 1000 इक्विटी शेयर परचेस किए। 100 रुपए फेस वैल्यू है इसकी, 120 रुपए के रेट से उसने परचेस किए, एक ब्रोकर के थ्रू परचेस किए, उसने 2% ब्रोकरेज चार्ज किया। इसके अलावा हर 100 रुपए के पीछे 50 पैसा उसका कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैंप लग गया। ऑन 31 जनवरी 2003, डेट को ध्यान दीजिएगा, बोनस वॉज डिक्लेयर इन द रेशियो ऑफ 1:2। 1:2 का फुल स्टॉप कर दीजिएगा। 1:2 का मतलब होगा 2 में 1, तो 1000 शेयर है तो 500 बोनस शेयर मिल गए। बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर, शेयर वर कोटेड एट 175 पर शेयर एंड 90 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। ये बोनस आने के पहले और बोनस आने के बाद की मार्केट प्राइस दिया हुआ है 175 और 90 रुपीज। ऑन 31 मार्च 2003 मिस्टर कृष्णमूर्ति सोल्ड बोनस शेयर टू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। उसने बोनस शेयर को बेच दिया 31 मार्च 2003 को। सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कृष्णमूर्ति हु हेल्ड द शेयर एज करेंट एफेट एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट सेलिमेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इवर इज लोअर। आंसर लिखिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट वही 5-6 लाइन का बनेगा।
इस बार डेट कॉलम भी आ जाएगा क्योंकि डेट दी है क्वेश्चन में. डेट पर्टिकुलर, नंबर्स अमाउंट. नंबर्स की जगह कई बार नॉमिनल वैल्यू कॉलम भी बनाया जा सकता है. स्टडी का कुछ क्वेश्चन में नंबर कॉलम बनाया है, कुछ क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू कॉलम बनाया है. नंबर की जगह नॉमिनल वैल्यू कॉलम भी बनाया जा सकता है, लेकिन स्टडी में दोनों अप्रोच फॉलो कर रखी है, नंबर कॉलम भी और नॉमिनल वैल्यू कॉलम भी. तो मैं नंबर कॉलम को चूज किया हूं क्योंकि अपने को हर क्वेश्चन में एक ही अप्रोच लगाना पड़ेगा ना, इसलिए हर क्वेश्चन में नंबर कॉलम की अप्रोच लगाइए. तो डेट पर्टिकुलर नंबर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर नंबर अमाउंट, करीब 5-6 लाइन का फॉर्मेट खींच लीजिएगा. अब आइए, सबसे पहले है 1 अप्रैल 2002, उस दिन परचेस किया है तो टू बैंक लिख दीजिएगा. नंबर कॉलम में आ जाएगा 1000. 1 अप्रैल 2002 को उसने 1000 इक्विटी शेयर परचेस किए थे तो नंबर कॉलम में आ जाएगा 1000. अब इसका वर्किंग नोट नंबर 1 बनाइए. परचेस कॉस्ट ऑफ हेडिंग होगी ये 1000 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2002. 1 अप्रैल 2002 परचेस कॉस्ट ऑफ 1000 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2002, ये हेडिंग होगी इसकी. परचेस कॉस्ट ऑफ 1000 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2002, नीचे लिखिए परचेस प्राइस. पहले लिखिए 1000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 120 पर शेयर, तो परचेस प्राइस आ गई 1,20,000 रुपए प्लस ब्रोकरेज. ये परचेस प्राइस का परसेंट रहता है, परचेस प्राइस का 2%. परचेस प्राइस 1,20,000 रुपए है, उसका 2% ब्रोकरेज लगेगा, 2400 उसको परचेस कॉस्ट में जोड़ देंगे, प्लस एक और खर्चा दिया हुआ है, नाम लिखा है शेयर ट्रांसफर स्टैंप. शेयर ट्रांसफर स्टैंप जो है उसमें 50 पैसे पर ₹100 लिखा हुआ है. तो 1,20,000 रुपए का 0.50% हो गया ये, 1,20,000 रुपए का 0.50%, 0.50%, 600 रुपए. तो टोटल कॉस्ट आ गई 1,23,000. टोटल परचेस कॉस्ट आ गई 1,23,000. ये 0.50% जो आया है ना, इसको नीचे स्टार करके लिख सकते हैं, 50 पैसे upon ₹100 into 100, और कॉमन सेंस लगाएंगे तो ₹1 जो है वो ₹100 का 1% होता है, तो 50 पैसे जो है वो ₹100 का 0.5% होंगे, तो ये 0.5%, तो 1,23,000 रुपये आ गया टोटल परचेस कॉस्ट. नीचे एक नोट लिख लीजिएगा, फेस वैल्यू ₹100 यूजलेस. जो क्वेश्चन में फेस वैल्यू ₹100 दी हुई है ना, वो यूजलेस है. तो परचेस कॉस्ट ऑफ 1000 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2012, देखिए उसने ₹120 के रेट से शेयर परचेस किए थे, तो 1000 शेयर की परचेस प्राइस हो गई 1,20,000 रुपए प्लस उसमें ब्रोकरेज लग जाएगा परचेस प्राइस का 2%. परचेस प्राइस का परसेंट लगता है, फेस वैल्यू का नहीं. तो 1,20,000 का 2% 2400 ब्रोकरेज हो गया. शेयर ट्रांसफर स्टैंप लग जाएगा 1,20,000 का 0.5% 600 रुपए. तो टोटल परचेस कॉस्ट आ गई 1,23,000 रुपए. ये 0.5% कैसे निकाला, यहां लिखा हूं 50 पैसे ₹100 में है, तो 100 में कितना 0.5%, फेस वैल्यू यूजलेस है. अब अमाउंट कॉलम में लिख दीजिएगा
123,000. यहां ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देंगे. तो दिस इज द एंड ऑफ जो शुरू की दो लाइन थी क्वेश्चन की. अब क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे बेटा. 31 मार्च 2003 को बोनस शेयर आया है, तो डेबिट साइड में आएगा बोनस शेयर. 31 मार्च नहीं है सॉरी, 31 जनवरी है. 31 जनवरी 03 तो बोनस शेयर के नाम से लिखिएगा. वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा ये. नंबर ऑफ शेयर 500, अमाउंट में डैश. नंबर ऑफ शेयर 500, अमाउंट में डैश. अब जो भी वर्किंग नोट लिखवा रहा हूं ना, सब एग्जाम के लिखवा रहा हूं मैं, है ना. कॉन्सेप्ट नोट कोई आएगा तो वो अलग से लिखवा दूंगा. तो बोनस शेयर चेक कर लेंगे. 31 जनवरी 2003 को तू बोनस शेयर, वर्किंग नोट 500 शेयर आ गए. वर्किंग नोट 2 लिखवा रहा हूं, लिखिए. बोनस शेयर, इसको हेडिंग पहले लिख दीजिएगा, बोनस शेयर रिसीव्ड ऑन 31 जनवरी 2003. बोनस शेयर रिसीव्ड ऑन 31 जनवरी 2003. नंबर ऑफ बोनस शेयर रिसीव्ड. ओरिजिनल शेयर थे 1000, बोनस है उसका 1/2, तो 500 शेयर बोनस मिले हैं. नंबर ऑफ बोनस शेयर रिसीव 500 शेयर. और वो लाइन लिख के आइएगा जो पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था, बोनस डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट. बस ये दो परमानेंट तरीके अपने डेवलप कर लो. एक तो बोनस का नंबर ऑफ बोनस शेयर रिसीव लिख के आना है एग्जाम में, और बोनस डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट लिख के आना है बेटा. सो ये आपका वर्किंग नंबर 2 हो गया, बगल में लिख लीजिएगा यहां पर. अब आते हैं क्वेश्चन में, आइए. 31 मार्च 2003 को क्या बेचा है जरा क्वेश्चन में देखेंगे. बोनस शेयर बेचा है, और बोनस शेयर बेचा है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा. 31 मार्च 2003 बाई बैंक. वर्किंग नंबर 3, नंबर्स कॉलम में 500, क्योंकि 500 बोनस शेयर बेचे हैं उसने. तो 31 मार्च 2003 को बाई बैंक के नाम से आ गया, नंबर्स कॉलम में 500. दिस वर्किंग नंबर 3. नाउ आई एम कमिंग टू वर्किंग नंबर 3. इसकी हेडिंग होगी बेटा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2003. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2003. सेल प्राइस इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन. ये बात आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, कि जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था ना बेटा, उसमें बोनस शेयर की सेल प्राइस अलग से दिया हुआ था. क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है ना बेटा, इसमें बोनस शेयर की सेल प्राइस अलग से नहीं दिया हुआ है. तो सेल प्राइस इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, हेंस इट इज एज्यूम्ड दैट सेल प्राइस इज ₹90, दैट इज पोस्ट बोनस मार्केट प्राइस. दैट इज पोस्ट बोनस मार्केट प्राइस. अपने को एनएसपी निकालना रहता है, तो एनएसपी निकालने के लिए नीचे लिखिए, सेल प्राइस ब्रैकेट में 500 शेयर एट द रेट ऑफ ₹90. सो 45,000 आ गया सेल प्राइस. ब्रोकरेज यहां पर भी है, इसको माइनस किया जाएगा. परचेस के समय ब्रोकरेज को ऐड करते हैं, सेल के समय माइनस करते हैं. तो ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 2% ऑफ ₹45,000, सेल वैल्यू का 2%, तो ₹900 का ब्रोकरेज माइनस कर दीजिएगा. ब्रोकरेज को ब्रैकेट में लिख दीजिएगा. 44,100 आ गया नेट सेल प्राइस. नेक्स्ट,
कॉस्ट ऑफ 500 शेयर सोल्ड इज इक्वल टू, लास्ट पार्ट है क्लोजिंग स्टॉक, 31 मार्च 03 को बाई क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए और बैलेंसिंग फिगर नंबर कॉलम में आ जाएगा 1000, नंबर कॉलम में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1000। आपके पास 1500 शेयर थे, आपने 500 बेच दिए, 1000 बचे हैं, 1000 आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया नंबर कॉलम में। अगला वर्किंग नोट बनाइए, वर्किंग नंबर 4, वहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का वर्किंग नोट रहता है। लास्ट वर्किंग नोट हेडिंग होगी इसकी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों इसमें कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 1000 शेयर। क्लोजिंग स्टॉक 1000 शेयर का है, फॉर्मूला हो जाएगा डेबिट साइड की अमाउंट का सम विच इज 123000 रुपए, इसमें ये प्रॉफिट ऑन सेल वाला नहीं आएगा, अपॉन 1500 इंटू 1000। इसमें सीधा कॉमन सेंस लगाओ आप लोग, 123000 रुपए में आपने एक तरीके से 1500 शेयर खरीदे, तो एवरेज कॉस्ट आ गई आपकी दिस अपॉन दिस, तो 1000 शेयर की कॉस्ट आ गई 82000। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियर कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच इज लोअर, तो इसलिए मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल दीजिएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 1000 शेयर इक्वल टू 1000 इंटू रुपीज 90। यहां पर हिंट लिख लीजिएगा, पोस्ट बोनस मार्केट प्राइस विल बी टेकन एज मार्केट प्राइस ऑन बैलेंसिड डेट, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने को बोनस की सेल प्राइस तो दिया नहीं है, तो पोस्ट बोनस मार्केट प्राइस को अपन लोगों ने बोनस की भी सेल वैल्यू माना, उसी को अपन लोग मार्केट प्राइस ऑन बैलेंसिड डेट मानेंगे, तो 90000 रुपीज ये आ जाएगा। इसमें ब्रोकरेज माइनस नहीं होता, याद रखिएगा, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में जो मार्केट लेते हैं उसमें ब्रोकरेज माइनस नहीं होता। और फिर आ जाएगा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इवर इज लोअर, तो 82000 रुपीज आ गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में अपने को कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम होती ना तो लॉस होता, मार्केट वैल्यू अगर 82000 से कम होती ना तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन दिखाते, यहां पर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन नहीं आएगा, तो 82000 ही आ गया फाइनल आंसर। कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच इज लोअर, तो 82000 रुपये आ गया क्लोजिंग स्टॉक की फाइनल आंसर, तो 82000 लिख दीजिएगा अमाउंट वाले कॉलम में। और अब आपका टोटलिंग कर दीजिएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया है। 1500 क्वांटिटी का सम, अमाउंट का सम आ जाएगा 1246100। आप लोगों का 5 और 6 नंबर क्वेश्चन जो होमवर्क में था वो बन जाएगा आप लोगों से, क्योंकि वो इस टाइप का ही है। एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है 5 और 6 में। ये 6 नंबर क्वेश्चन में जो ये लिखा है ना, 4 फिल्को लिमिटेड, ये 4 जो है ये कंपनी का नाम है ना, इसको अपनी किसी कैलकुलेशन में इंक्लूड मत कर लीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों अब जो है आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट का
नेक्स्ट नॉलेज मैं दे रहा हूं, ये नॉलेज है एक बार, अभी आप लोग कुछ लिखना नहीं चाहिए आपको, और पहले एक बार नॉलेज ले लीजिए, स्क्रीन देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर नॉलेज मिलेगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये नॉलेज मैं आप लोग को दे रहा हूँ बेटा राइट इशू के बारे में। अगले दो क्वेश्चन जो है ना 7 और 8 नंबर और उसके बाद के भी सब क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 सब में राइट इशू आएगा। आप बोनस हो गया है आपका, आप राइट इशू सीखिएगा। सबसे पहली बात, राइट इशू का मतलब क्या होता है? राइट इशू का मतलब होता है एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर ऑफर कर रही है फॉर ए प्राइस। ये हो गया राइट इशू। बोनस और राइट इशू में क्या डिफरेंस है? बोनस फ्री में मिलता है, राइट प्राइस के बदले मिलता है। एक नॉलेज, राइट इशू की जो प्राइस रहती है ना, वो अक्सर मार्केट प्राइस से कम रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इन्फोसिस लिमिटेड की मार्केट प्राइस अभी चल रही है 780 रुपीस, ये राइट इशू लेके आई है 600 रुपए में। यानी शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर का रेट चल रहा है 780, लेकिन ये राइट इशू लाई है 600 रुपए में। अगर आज अगर किसी को ओपन मार्केट से इन्फोसिस का शेयर खरीदना पड़े, अगर आज किसी को इन्फोसिस का शेयर ओपन मार्केट से खरीदना पड़े तो उसको 780 पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो कंपनी के और कंपनी ने राइट ऑफर दिया है, तो वो राइट ऑफर आपको 600 में मिल रहा है। तो इसका मतलब राइट ऑफर मार्केट प्राइस से कम में दिया जाता है, क्योंकि किसको ऑफर कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो कंपनी के ओनर है, तो कहीं ना कहीं कंपनी उनको फायदा पहुंचाने के लिए राइट इशू मार्केट प्राइस से कम में ऑफर करती है। जब राइट ऑफर आता है ना, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास 3 ऑप्शन रहते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अप्लाई फॉर राइट फुली। ऑप्शन नंबर 2, इग्नोर द राइट फुली। ऑप्शन नंबर 3, पार्शियली अप्लाई पार्शियली इग्नोर, सॉरी पार्शियली अप्लाई पार्शियली ट्रांसफर। एक और ऑप्शन निकल सकता है, ट्रांसफर राइट फुली। अपने जितने क्वेश्चन कोर्स में हैं, उन सब क्वेश्चन में ये वाला है, तो जो अपने कोर्स में है उसको स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। पार्टली अप्लाई पार्टली ट्रांसफर हर क्वेश्चन में, तो मैं आपको पार्टली अप्लाई पार्टली ट्रांसफर को ही फोकस कराता हूं। पार्टली अप्लाई पार्टली ट्रांसफर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे मैं मान लीजिए मैं इन्फोसिस कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं। सामने एग्जांपल है, मैं इन्फोसिस कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, मेरे पास कंपनी के 500 शेयर पड़े हैं। मेरे पास 500 शेयर पड़े हैं, कंपनी ने 1:5 का राइट दिया। मेरे पास एक लेटर आएगा, मेरे पास एक लेटर आएगा कंपनी से, इसको बोलते हैं कंपोजिट एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो कंपोजिट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा ना, इसमें कंपोजिट एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से एक लेटर मेरा आएगा कंपनी से। एक बार फिर से केस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, शायद
आपने कुछ मिस कर दिया हो तो उसके लिए इंफोसिस कंपनी का मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास उसके 500 शेयर पड़े हैं पुराने शेयर, और मेरे को 1:5 का राइट आया है, 5 शेयर में 1 शेयर का मेरे को राइट आया है, तो मेरे को 100 शेयर का राइट ऑफर मिला है। मेरे को 100 शेयर का राइट ऑफर मिला है, मार्केट रेट चल रहा है 780, लेकिन मेरे को राइट ऑफर मिला है 600 रुपए में। अब मेरे पास बाई पोस्ट इंफोसिस कंपनी से ये आएगा कंपोजिट एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें क्या लिखा रहेगा, इंफोसिस कंपनी क्या लिखी रहेगी, वी आर ऑफरिंग यू आवर 100 शेयर एट द रेट ऑफ ₹600 पर शेयर, ये कंपनी लिखेगी। मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, मैं इस लेटर को इग्नोर कर सकता हूं, नहीं भैया मेरे को पैसा नहीं लगाना है और भैया मेरे को ऑफर मिला है ना, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, तो मैं इस लेटर को फाड़ के फेंक सकता हूं, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा ऑप्शन है, मैं 60,000 रुपीज का चेक भेज दूं या ड्राफ्ट बनवा के भेज दूं इंफोसिस को, 100 शेयर मेरे को भेज देगी कंपनी। एक ऑप्शन और है इंपॉर्टेंट, मैं अपना ये ऑफर किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं। इसे आप मेरे को और पैसा नहीं लगाना है, मेरे को इंफोसिस के शेयर में और पैसा नहीं लगाना है, मेरे पास 500 शेयर है भैया, मैं इतने काफी है, मेरा कोई मूड नहीं है 60,000 रुपीज और फंसाने का। लेकिन मान लो कोई मेरा दोस्त है, वो इंफोसिस के शेयर खरीदना चाहता है, लेकिन वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है, उसको तो राइट ऑफर आया नहीं होगा, उसको इंफोसिस के अगर शेयर खरीदना है तो उसको कहां से परचेज करना पड़ेगा, मार्केट से, शेयर मार्केट से, और शेयर मार्केट से परचेज करेगा तो कितने में मिलेगा, 780। अब मेरे पास राइट ऑफर आ रखा है, कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन है माय डियर फ्रेंड्स कि जब भी कोई कंपनी राइट ऑफर करती है ना, तो उसको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये अधिकार देना पड़ेगा, जिसको लीगल लैंग्वेज बोलते हैं राइट ऑफ रिन्यूंसिएशन, रिन्यूंसिएशन या ट्रांसफर, ट्रांसफर करने का अधिकार। तो मेरे को इस लेटर में लिखेगी कि भैया हम आपको अधिकार दे रहे हैं कि आप चाहो तो खुद अप्लाई कर दो, नहीं तो आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो मैं अपने, मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड को ये लेटर ट्रांसफर कर देता हूं, मैं यहां पर लिख दूंगा ये कंपोजिट एप्लीकेशन फॉर्म क्यों बोलते हैं, इसमें एक परफोरेटेड ऐसे लाइन रहती है, ये दो पार्ट में रहता है। अगर मेरे को खुद अप्लाई करना हुआ ना, मैं ऊपर वाले फॉर्म पार्ट में अप्लाई करूंगा, मेरे को ट्रांसफर करना हुआ ना तो मैं नीचे लिख दूंगा आई ट्रांसफर इट टू जो भी नाम रहेगा उसका, और मैं अपने साइन कर दूंगा। अब इस वाले पार्ट में सामने वाला अप्लाई करेगा, नीचे वाले पार्ट में। सर अगर मैं अपना राइट किसी को बेचता हूं ना, तो कुछ बातें बड़ी माइन्यूटली समझने वाली है बेटा। पहली बात, मैं उसको शेयर नहीं बेचा हूं, मैं उसको लेटर बेचा हूं, एक ऑफर बेचा हूं मैं। दैट इज वेरी माइन्यूट पॉइंट, बिकॉज जब इसकी अकाउंटिंग अपन करेंगे ना, तो अपने दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इसने 100 शेयर बेचे हैं, ये 100 शेयर तो इसके पास थे ही नहीं कभी, वो तो ऑफर आया था, इसने क्या बेचा है, ये लेटर बेचा है। ये पहला माइन्यूट नॉलेज जब अपन राइट ट्रांसफर करते हैं। तो सेकंड माइन्यूट नॉलेज, मैं अगर ये राइट ऑफर अपने दोस्त को बेच रहा हूं ना, तो मैं उससे इसके बदले कुछ ना कुछ चार्ज करूंगा। दोस्ती यारी अलग बात है, अदरवाइज मैं उससे कुछ चार्ज करूंगा। चार्ज कितना करना चाहिए और क्यों करना चाहिए वो समझिएगा, क्योंकि अगर उसने ये 100 शेयर मार्केट से खरीदे होते तो कितने में खरीदता वो, और मेरी वजह से उसको ये शेयर कितने मिलेंगे, तो उसका तो 180 रुपीज पर शेयर का फायदा हो रहा है, तो कुछ तो मेरे को भी दे यार, ठीक है 180 पूरा मत दे, कुछ तो दे भाई, 50 तो कर ले कम से कम। तो हो सकता है कि मैं उसको ये ऑफर कितने में बेच दू, 90 रुपीज में, 90 रुपीज पर शेयर। तो मैं ये राइट ऑफर जब उसको बेचूंगा तो मैं उससे कितना ले लूंगा, 9,000 रुपए ले लूंगा 100 शेयर का।
और लास्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास, एक ऑप्शन था मैं पूरे 100 शेयर मैं इसको लेटर को फाड़ के फेंक दूं रिजेक्ट, दूसरा ऑप्शन था मैं पूरे 100 शेयर के लिए खुद अप्लाई कर दूं तो मैं 60,000 रुपए का चेक कंपनी को भेजूंगा, कंपनी मेरे को 100 शेयर भेज देगी, ये तो मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा, फिर जस्ट मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तीसरा ऑप्शन था मैं ये पूरा का पूरा लेटर किसी को ट्रांसफर कर दूं, और एक आखिरी ऑप्शन जो कि अपने को मैंने आपको कहा कि हर क्वेश्चन में यही मिलेगा आपको, पार्टली खुद अप्लाई कर दूं और पार्टली ट्रांसफर कर दूं, जैसे 3/5 मैंने अप्लाई कर दिया और 2/5 मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो 60 शेयर के लिए मैंने अप्लाई कर दिया और 40 शेयर का अधिकार किसी को ट्रांसफर कर दिया। सर ये 60 शेयर के लिए अगर मैं अप्लाई करूंगा ना, अब इसकी अकाउंटिंग सीखेगा बेटा, ये फाइनल टच है। 60 शेयर के लिए मैंने खुद अप्लाई किया तो मैंने क्या किया होगा दोस्तों, मैंने 600 रुपए के रेट से क्या किया होगा, 36,000 रुपीज का ड्राफ्ट बनवा के कंपनी को भेजा होगा। जब कंपनी फिर डायरेक्ट खरीदते हैं ना बेटा तो ब्रोकरेज नहीं लगती, ब्रोकरेज शेयर मार्केट की ऑनलाइन ट्रेडिंग में लगती है, ये राइट शेयर कंपनी से आए हैं इसमें ब्रोकरेज नहीं लगेगी। सर ये 36,000 रुपीज का तो मैंने ड्राफ्ट बनवा के कंपनी को भेजा दोस्तों, और कंपनी मेरे को उसके बदले 60 शेयर भेजेगी, तो मैं इसकी क्या अकाउंटिंग करूंगा बेटा, मैं इसको एंट्री क्या मार दूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 36,000, और इसको मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में किस तरफ शो करूंगा बेटा, डेबिट साइड में शो करूंगा टू बैंक के नाम से, जैसे ओपन मार्केट से परचेस किए वैसे कंपनी से परचेस किए, नंबर में 60 और अमाउंट में 36,000, और 40 शेयर का ऑफर मैंने अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया, मैंने उससे 90 रुपीज चार्ज किया पर शेयर। अब आपको एक बात सरप्राइज कर सकती है तो उसको रिजॉल्व भी आप कीजिएगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा यार 600 रुपए का माल 90 रुपए में कैसे बेच दिया, तो आंसर आना चाहिए 600 रुपए का माल थोड़ी है, फ्री का माल है भाई, मैं तो लेटर बेचा हूं ना, ये लेटर तो मेरे को फ्री में मिला था ना, मेरे पास जो पुराने शेयर है उसकी वजह से लेटर आया ना, तो बेटा इसलिए मैं उसको जो 90 रुपीज ले रहा हूं उससे वो मेरे लिए प्योर प्रॉफिट ही तो है, तो 3600 रुपीज मैं सामने वाले पे ले लूंगा। अच्छा सामने वाला जो है मेरा दोस्त उसको एक तरीके से क्या होगा, 90 रुपीज वो मेरे को दिया और 600 रुपए वो कंपनी को भेजेगा, तो उसके लिए उन शेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 690। अच्छा मैं इन 3600 रुपीज जो मेरे को मिला है ये 3600 मेरे लिए प्योर प्रॉफिट है, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएल, टेम्परेरी अगर अकाउंट खोलना है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ राइट, राइट ऑफर बेचने से प्रॉफिट, और ये जाएगा पीएल अकाउंट में। दैट्स ऑल, नॉलेज इज ओवर। काफी जल्दी सीख गए आप लोग, 5 मिनट के अंदर सीख गए, सीखे कि नहीं सीखे मेरे को नहीं मालूम है ना, 5 मिनट के अंदर बता दिया हूं मैं, ठीक लिखे तो आपकी कॉपी में। आप लोग एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए अपनी कॉपी में जगह छोड़ दीजिए, पहले 5 और 6 में उतनी जगह लगेगी जितने 4 नंबर बनाए हैं। ये आप लोग जो डेमो अटेंड नहीं किए थे ना यस्टरडे के डेमो, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाया जाएगा आप। राइट शेयर आर शेयर ऑफर्ड बाई कंपनी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर अ प्राइस
राइट शेयर आर शेयर ऑफर्ड बाई कंपनी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर ए प्राइस. सेकेंड, शेयर होल्डर हैज मेनी ऑप्शंस लाइक ही कैन अप्लाई फॉर राइट कॉमा ही कैन ट्रांसफर राइट कॉमा ही कैन पार्टली अप्लाई पार्टली ट्रांसफर. राइट शेयर आर शेयर ऑफर्ड बाई कंपनी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर ए प्राइस. ये राइट शेयर का मीनिंग हो गया. शेयर होल्डर के पास कई ऑप्शन है, जैसे कि वो राइट के लिए अप्लाई कर सकता है, राइट को ट्रांसफर कर सकता है, पार्टली अप्लाई कर सकता है, पार्टली ट्रांसफर कर सकता है. थर्ड, इफ ही अप्लाई, एंट्री लिखिएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक डेबिट साइट नंबर एंड अमाउंट कॉलम. ये एरो बना के लिख लीजिएगा. मतलब अगर वो खुद अप्लाई करता है तो एंट्री मार देगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये डेबिट साइड में आ जाएगा नंबर कॉलम में भी अमाउंट कॉलम में भी. अगर वो खुद अप्लाई करता है तो डेबिट साइड में आ जाएगा नंबर कॉलम में भी अमाउंट कॉलम में भी. पॉइंट नंबर फोर, इफ ही ट्रांसफर इज राइट इंटाइटलमेंट if he transfer his right entitlement if he transfer his right entitlement sale proceeds of sale of right entitlement sale proceeds of sale of right entitlement is income oblique profit for him.